अभी यहाँ पे क्या देखें आपने कि एसी कैसे इन हुआ और कैसे इस कनेक्टर पे आया, जो छोटे ट्रांसफार्मर है 12 वोल्ट का, इस 12 वोल्ट से आउट होकर इस पे आया सॉकेट पे, यहां से चार डायोड से डीसी बना। डीसी बनने के बाद ये 7805 यहाँ पे 5 बना के आईसी को देना है। तो ये 12 वोल्ट जो है ये इसमें इन हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय इलेक्ट्रॉनिक्स मंजर, और आज हम एसी के बोर्ड के बारे में बताएंगे। एसी दो तरह के होते हैं, एक विंडो एसी, एक स्प्लिट एसी। अभी ये विंडो एसी का बोर्ड है हमारे पास। इस विंडो एसी का जो बोर्ड है, इसके पूरी तरह से कैसे काम करता है इसको हम बताएंगे, और इसके जो आईसी लगे हुए हैं, आईसी कैसे काम कर रहा है, रिले कैसे काम कर रहा है, कौन से पिन से ये ऑन होता है, ये सारी पिन बताएंगे आपको। पूरी वीडियो देखिएगा, इस वीडियो को अगर पूरी तरह से देख ली तो ये विंडो एसी का जो बोर्ड है इसके बारे में किसी और चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इसको बारी बारी से बताते हैं, एक एक करके लाइन पकड़ से ये काम करता है। देखिए इसका बोर्ड पहले देख लीजिए, इस बोर्ड दिखाऊं, ये आईसी है, ये चारों रिले है, ये 7805 है, ये बड़ा वाला रिले है जो कंप्रेसर को चालू करने के लिए जाएगा, और ये कॉमन पिन है, चार कॉमन पिन है, और ये मेन एसी ये है, ठीक है। और ये दोनों फिल्टर है जो एक ये यहाँ पे इस आईसी को चलाने के लिए जो वोल्टेज बनता है इस ट्रांसफार्मर से, ये ट्रांसफार्मर का यहाँ पे 14 वोल्ट या 12-13 वोल्ट आता है, उससे ये कैपेसिटर फिल्टर करता है, और जो ये आउट 5 वोल्ट करता है वो ये कैपेसिटर फिल्टर करता है। तो अभी हम इसको पहले हम जानेंगे कि ये जो आईसी है, आईसी का नंबर क्या है, नंबर देखो, 2003 आईसी है, इधर देखो। तो ये 2003 आईसी जो है, इसके सारे पिन के बारे में हम बात करेंगे, कौन सा पिन से क्या काम होता है। 16 पिन का आईसी है, 16 पिन का टोटल जो जैसे भी काम करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। और अभी हम आपको इसमें लगते हैं कि चलते हैं कि इसके आईसी को, इस आईसी काम कैसे करता है। तो सबसे पहले इसका सप्लाई देना है, ये काम करने के लिए सप्लाई कैसे देंगे। तो सप्लाई देने के लिए ये ट्रांसफार्मर है जो 2003 आईसी है, इस आईसी के हर एक पिन के बारे में बात करेंगे, और 16 पिन की आईसी है, 16 पिन की सारे पिन के बारे में बोलेंगे, और अब इस बोर्ड के पूरी विवरण से देखेंगे कैसे काम करता है, ये कंप्रेसर को कैसे चालू करता है, और रिले को बारी बारी से हाई लो मीडियम जो आउटपुट मोटर को चलाता है वो कैसे निकलता है, ये सब हम इस पे बात करेंगे। और इसको अभी इस आईसी को चालू करने के लिए ये 12 वोल्ट का 4 ट्रांसफार्मर है, और इससे ये चालू होता है, ये ट्रांसफार्मर है, ये 11 वोल्ट एसी आउट करता है, लेकिन कैपेसिटर लगने के बाद 12-13 वोल्ट दिखेगा इसमें, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को एसी चाहिए और उसके बाद इस आईसी को होना चाहिए। तो चलिए मैं यहां से शुरू करता हूं कि इस आईसी को पहले आप यहां पे समझिए कि ये एसी आता है, ये एसी आता है, और यहीं पे ये ट्रांसफार्मर की तार मतलब लगे, जैसे हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर बना दें, ये ट्रांसफार्मर की 2 पिन है, इधर ये आउटपुट है, ठीक है। तो ये 2 पिन है, ये वाली 1 पिन इसमें और इसमें, मतलब ये प्राइमरी है, मतलब 220 वोल्ट इन होगा इस ट्रांसफार्मर को, जो ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इधर से जो आउट होगा यही आउट करने के लिए वोल्ट जो है इस आईसी को चालू करेगा, इस रिले को चालू करेगा, और फिर और भी जो फंक्शन है, जो इसी वोल्टेज का जो 12 वोल्ट बनता है, यहाँ 7812 लगा के 5 वोल्ट बना के इसको दिया जाता है। मतलब ये ट्रांसफार्मर क्या है, ये ट्रांसफार्मर इस आईसी को, इस रिले को सारे फंक्शन चालू करने के लिए ये ट्रांसफार्मर है, 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर। तो इसे अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि इसे एसी कैसे मिलेगा और एसी आउट करके वो किसको देगा। तो एसी जो मिल रहा है यहाँ पे, ये कैसे आ रहा है वो आप देखिए पहले। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये न्यूट्रल पिन है, न्यूट्रल
या फिर कॉमन मान लीजिए, और ये है फेस, ये फेस है, तो ये इन हो रहा है 220 वोल्ट एसी, ये वाली न्यूट्रल और ये वाली दोनों मिलके ऐसे कर लीजिए, ये और ये दोनों 220 वोल्ट, ये फेस है, ये बी और ये एन, ठीक है। तो एक कॉमन पे और एक रिलेटेड, इन दोनों में एसी इन हुआ और इसको लाना है यहां पे, जब इस पे आएगा तो ये आउट करेगा जो वोल्टेज इस आईसी के लिए और 7812 पे और ये रिले पे जाएगा। तो कहने का मतलब है ये आईसी आता कैसे है, ये देखिए यहां से ये फ्यूज में जुड़ा हुआ, ये फ्यूज है, ये फ्यूज है, ठीक है, और ये फ्यूज के बाद ये जम्पर होकर ये एमओबी है, एमओबी मतलब जो एसी को अगर ज्यादा वोल्टेज आ जाए तो ये शॉर्ट हो जाए ताकि वो फ्यूज खत्म हो जाए, सब ये सेट खराब ना हो। तो ये जो है एसी मेन और ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल इसी पिन पे लाना होगा, तो इसको ये न्यूट्रल इस पे आ गया, ठीक है, ये न्यूट्रल एन हो गया ये और ये फेस हो गया, ठीक है, ये इस तरह से। अब यहां पे आने के बाद ये जो सॉकेट है, ये जो सॉकेट है इस पे टच है, तो ये मतलब न्यूट्रल इसको मिल गया, और ये जो फेस है ये वाली इस पिन पे टच है ऐसे, ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है। मतलब ये जो फेस है ये किसी तरह से ये सॉकेट कनेक्टर, जो ट्रांसफार्मर का कनेक्टर है, ये वाली लाल वाली कनेक्टर है ना, इस कनेक्टर पे इस पे आ गया, इन दोनों कनेक्टर को यहां से एसी मिलेगा और ये जो आउट होगा यही इस आईसी को, इस रिले को और ये सारे फंक्शन को ऑन करेगा, जो यहाँ पे ये होगा इसकी जो वो माइक्रो स्विच का जो बोर्ड है, ये माइक्रो स्विच का बोर्ड, इसके भी वोल्टेज इसी ट्रांसफार्मर से जाएगा। तो अब आगे हम चलते हैं, अभी मैंने ये दिखाया आपको कि एसी देने के बाद ये मेन रिले पे वोल्टेज गया और एक न्यूट्रल पे गया और यहां से होते हुए एमओबी आया, एमओबी से इधर जा रहा है। अगर एमओबी शॉर्ट होता है किसी कारण से तो ये दोनों लाइन शॉर्ट होगा, फ्यूज खराब हो जाएगा, उसके बाद ये सेट बंद तो रिले बंद। तो यहां पे आपको ये समझना है कि एसी किस तरह से इन हुआ और एसी सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर को, छोटा ट्रांसफार्मर को, जिसको से ये आईसी चालू होगा, इसकी जरूरी है। तो ये जो सॉकेट है हरी वाली, ये पिन ये कहां लग रही है, ये लग रही है यहां पे, ये सॉकेट पे, मतलब ये जो दो तारे हैं ये आएगी इस पिन पे। तो मैं इसको या तो मैं यहां लिख देता हूं ए और ये बी और ये 12 वोल्ट आउट है एसी, ठीक है, वो वाली ये और बी, ये और ये है, ये और बी, मेरा कहने का मतलब है कि ये जो दो तारे हैं वो यहां लगेगा, मतलब ये ट्रांसफार्मर की जो दो पिने हैं वो ये यहां पे लगनी है, तब ये क्या होगा कि जो एसी वहां से निकल रहा था इन हुआ और जो निकल रहा है वो इस तरह से इस सॉकेट पे आ गया, जो इसमें इस कंडीशन में ये वाली है। तो ये इसमें जब एसी देंगे तो यहां से ये डायोड जो है डीसी करेगा, ये जो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज निकला हुआ वोल्टेज हमने इस सॉकेट पे दिया, इस सॉकेट, इस डायोड, चार पिन के चार डायोड है, इस पे रेक्टिफायर होगा, डीसी होगा। डीसी होने के बाद ये देखिए डीसी कैसे करेंगे, तो इसमें जो है डीसी कैसे किया है, इन दोनों को शॉर्ट कर दिया, मतलब ये एसी एक तार ये है और ये दूसरे जो बाहर बार है ये वाली इसके साथ शॉर्ट कर दिया, मतलब ये और ये दोनों मिलकर इस पॉइंट है। तो ये एसी इसको डायोड को मिल गया, अब ये डीसी प्लस ये माइनस, ये दोनों प्लस माइनस जो है यहां पर, ये जो कैपेसिटर लगाया है, ये कैपेसिटर है, मतलब ये प्लस और माइनस जुड़ गया, ठीक है, ये कैपेसिटर है, ये प्लस माइनस जुड़ गया। अभी यहां पे क्या देखें आपने कि एसी कैसे इन हुआ और कैसे
इस कनेक्टर पे आया, जो छोटे ट्रांसफार्मर है 12 वोल्ट का, इस 12 वोल्ट से आउट होकर इस पे आया सॉकेट पे, यहां से 4 डायोड से डीसी बना। डीसी बनने के बाद ये 7805 यहां पे 5 बना के आईसी को देना है। तो ये 12 वोल्ट जो है ये इसमें इन हुआ, ये इन दिया इसको, इन दिया इसको। अब ये जो है 12 वोल्ट इसमें बन गया। अब यहां से 5 वोल्ट जो आउट होगा, ये 5 वोल्ट यहां पे फिर एक कैपेसिटर लगाया और ये माइनस होगा, जो ये माइनस जो है इसी माइनस के, ये इसमें से माइनस इसमें जोड़ दिया गया नेगेटिव, और ये नेगेटिव इसमें आया, मतलब ये जो नेगेटिव है यहीं से इसको भी मिल रहा है। तो ये पॉजिटिव की कितना, ये है 470 हजार एमएफडी 35 वोल्ट। ये क्या है, हजार एमएफडी 35 वोल्ट। क्यों 35 वोल्ट है, क्योंकि यहाँ 12 वोल्ट है, यहाँ पे ये कम वोल्टेज है। तो ये है 470 25 वोल्ट, ये क्या है 470 25 वोल्ट, ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर है, दोनों एक 12 वोल्ट फिल्टर कर रहा है, एक 5 वोल्ट फिल्टर कर रहा है। तो ये 5 वोल्ट जो है अब कहाँ जा रहा है, अब ये जा रहा है 5 वोल्ट से ऐसे चलता है, ऐसा मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि मैं अभी सर्किट देख रहा हूँ तो इसमें 12 वोल्ट आ रहा है। ये कितने वोल्ट आ रहा है, 12 वोल्ट आ रहा है। तो ये कैसे आ रहा है, इसकी कितनी सप्लाई है, ये सप्लाई पिन है 8-9 नंबर पिन है इसका सप्लाई, तो 9 नंबर सप्लाई है। तो ये तो अभी हम कैपेसिटर के बाद इसके रिले पे 12 वोल्ट देते हैं, ये रिले पे, ये 12 वोल्ट दिए और यहीं से और नीचे आकर 9, ये 9 नंबर पिन पे, ये 9 है और ये 1 है, ये आईसी ऐसा है, ये 8 है और ये 16 है। तो 9 नंबर पिन इसका सप्लाई पिन है 12 वोल्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमने जो 12 वोल्ट यहां तैयार किया था, ये 12 वोल्ट डीसी होने के बाद यहाँ 15-16 वोल्ट होगा, 12-13 वोल्ट होगा, लेकिन यही वोल्टेज जो है इस पे जा रहा है डायरेक्ट, और यहाँ पे 7805 है, ये 5 वोल्ट इस 5 वोल्ट को अभी इधर मैंने आपको ये सेंसर के लिए, सेंसर के वोल्टेज दिया है, सेंसर का वोल्टेज, और इसी के साथ में सेंसर के साथ में ये जो कनेक्टर है माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड, इस बोर्ड में भी 5 वोल्ट ही दिया गया। तो 5 वोल्ट जो है इस बोर्ड के लिए है और ये सेंसर के लिए है। तो अभी आपने देखे कि ये रिले पे वोल्टेज आया, वोल्टेज एसी यहाँ पे आया और ट्रांसफार्मर पे गया, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज जो है आउट होकर इस सॉकेट पे आया, सॉकेट से डीसी हुआ, डीसी से ये फिल्टर हुआ, फिर 7805 लगाकर इस 5 वोल्ट का अभी नीचे ले जाना है मुझे सॉकेट में, और 12 वोल्ट आईसी पे रिले पे पहुंचा दिया। ये रिले बड़ा वाला रिले है जो एसी को 220 वोल्ट एसी को ये दूसरे कंप्रेसर को चालू करने जाता है, मतलब यहां से जो आउट होगा ये वाला कंप्रेसर है ना, ये कंप्रेसर के लिए जाएगा, एक ये और एक यहां से कोई और एक ले लें। तो ये ले लो, दो तारे होती है कंप्रेसर की, प्लस ये एक न्यूट्रल और एक ये पी हो और ये हो गया, ये ठीक है, दो तारे कंप्रेसर। अभी यहां सब ये होगा, ऑन कब होगा, इसको ऑन कौन करेगा, इस रिले को ऑन कौन करेगा, ये सारे इसमें हम बताएंगे। और इसमें अब हम चलते हैं इस पर कि ये जो रिले है, रिले काम कैसे करता है, रिले है ना। अभी आपने ये देखे कि इसमें जो वोल्टेज है आईसी को मिल गया, आईसी को मिल गया, उसके बाद हम देखेंगे रिले काम कैसे करता है। तो रिले किस तरह से है, रिले है ऐसे, एक पिन, दो पिन और 3 और 4, तो सभी में इस तरह से है,
इस तरह से है। तो ये जो चार तारे हैं अलग से मोटर के लिए, कौन सी मोटर के लिए, हाई लो और मीडियम करने के लिए। तो मान लीजिए हाई लो मीडियम करना है, तो इसके लिए क्या किया है कि इस रिले को ऑन करेगा, तो हाई लो करने के लिए मोटर को वोल्टेज कितने चाहिए, 220 वोल्ट चाहिए। तो मतलब 220 वोल्ट रिले पे अभी आना चाहिए। तो ये 220 वोल्ट इसी रिले पे आ रहा है, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी, तो ये ऐसे 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 इन सभी पे 220 वोल्ट, ये जो 220 वोल्ट एसी है ये इसमें से आगे से आ रहा है बाहर से, ये होते हुए फ्यूज से होते हुए ये रिले पे आए। अब ये रिले से जब ये शॉर्ट होगा, ये रिले जो आपस में शॉर्ट होगा, तो इधर से आप अगर मोटर में, यहां पे मान लीजिए मोटर है और इसके तारे हैं मीडियम हाई लो, मान लीजिए ये लो है तो ये लो पे जा रही है तो लो चलेगी, अगर ये मान लीजिए मीडियम है तो इसकी तार ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, तो ये जो तार है सॉकेट है, ये सॉकेट बना हुआ है, ये इसको जुड़ी है, ठीक है, ठीक उसी तरह से भी जुड़ा हुआ है। तो ये वाली जो है ये मान लीजिए मीडियम, और ये वाली जो है ये हाई, लो मीडियम हाई, ये तीन तरह से तीनों को वोल्टेज दे रहा है, ठीक है। तो और एक और जो बच रहा है, ये किस लिए है, स्विंग के लिए, जो एक और स्विंग करने के लिए ऑप्शन होता है मोटर, ये वाली ये मोटर है इसकी, तो ये तार तो ये न्यूट्रल पे गया और ये भी ये स्विंग बना दो, स्विंग स्विंग, और ये है मोटर, तो ये इसकी जो तार है ये इसी पे आएगी, ठीक है। और एक है जो ये न्यूट्रल जो यहां पे जुड़ेगा, लेकिन मैं इसको नीचे ही लिख देता हूं, न्यूट्रल है और ये फेस है, तो ये इसकी तार है, मतलब ये सारे रिले, एक रिले इसको चला रहा है, एक रिले ये हाई कर रहा है, दूसरा मीडियम, तीसरा लो, ये सारे रिले उस तरह से मोटर चलाता है। लेकिन अब यहाँ दिक्कत ये रह गई कि इन सबको रिले को चालू कौन करता, तो ये आईसी चालू करता है, वो कैसे वो देखिए। तो आपको मैं बता दूं कि रिले काम जब भी करता है तो उसमें प्लस माइनस चाहिए, 12 वोल्ट का रिले होगा तो 12 वोल्ट, 24 वोल्ट का होगा तो 24 वोल्ट, जितने भी वोल्ट का होगा उसके हिसाब से उसका वोल्टेज और उसका निगेटिव चाहिए। तो अभी इसमें इसका जो ऑप्शन है इस आईसी का, निगेटिव ये खुद बनाकर दिया और वोल्टेज डायरेक्ट है, तो 12 वोल्ट जो है कैसे दिया वो देखिए। इस नौ नंबर पिन से जितने भी यहां पे, एक दो तीन चार, ये 12 वोल्ट इसको सारे रिले को ऑन करने के लिए दिया, मतलब ये जितने भी रिले हैं, इधर ये क्वाइल है और इधर ये शॉर्टिंग है, ये क्वाइल में ऐसे बना लीजिए, क्वाइल 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 क्वाइल, तो ये क्वाइल में एक तरफ 12 वोल्ट और दूसरे तरफ निगेटिव, तो निगेटिव हम क्या करेंगे इस पिन से इसमें दिया जाता है, इस पिन से, तो कितने कितने नंबर पिन से वो भी आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये सबसे नीचे वाला जो है इसको चालू कर रहा है, ये कर रहा है 15 नंबर से, मतलब इससे ये जुड़ी है ये वाली, इसको रिले को ऑन करने के लिए ये निगेटिव दे रहा है, क्या दे रहा है निगेटिव, तो मैं इसको निगेटिव क्या लिखूं, माइनस माइनस तार, और ये माइनस और ये प्लस, माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये से तो ये माइनस आईसी से दिया,
ठीक उसी तरह से दूसरी आईसी जो है, दूसरी पिन ये कितने नंबर है, ये 15 है, तो ये 14 है, ये 13 है, ये वाली 13 नंबर, फिर ये 12 नंबर, ये तो ये सारे जो है जो अपने जब माइक्रो स्विच आप दबाएंगे, इस बटन को दबाएंगे तो इसका फंक्शन, इसके आईसी को ये मैं इसका कनेक्शन करूंगा तो ये जो फंक्शन काम करेगा तो इन्हीं में से वोल्टेज बारी बारी से चेंज होगा, मतलब 12 वोल्ट इसको हमेशा मिलता रहेगा यहाँ से, जैसे ही आपने एसी लगाए 12 वोल्ट यहाँ पे पहुंच गया, लेकिन निगेटिव है जो ये बारी बारी से जब हम जैसे स्पीड कम करेंगे या लो करेंगे जैसे करेंगे उसके हिसाब से इसको वोल्टेज मिलेगी। तो ये आईसी कर रहा है, ये इसको रिले को ऑन आईसी कर रहा है। अब ये रिले ऑन हो गया, आपने समझ गया आगे होगा। रिले के बाद जो आईसी के बाद इसमें से और भी पिन है जो इसके काम करता है ना, तो आप इसके जो है ये सारे पिन के बारे में मैंने बोला था कि कैसे काम करता है वो बताता हूँ। ये वाला पिन खाली है, ये 11 नंबर क्या है, 11 नंबर 16 15 14 13 12 11 11 नंबर। इधर एक और रिले है जो अभी यहाँ पे खाली कर रखा है और ये इसके लिए 11 नंबर यूज किया गया जो अभी कोई काम का नहीं है, जा तो रहा है लेकिन सॉर्टिंग तो है लेकिन कोई काम का नहीं, भी बंद है, ये रिले है ही नहीं इसमें, ये जगह खाली है इसमें, ठीक है। अगर वो होता तो ये 11 नंबर से उसको ऑन करना होता। तो अब ये 9 10 11 और ये 12 नंबर, 12 नंबर इस रिले को ऑन कर रहा है, मतलब यहां भी निगेटिव, यहां भी निगेटिव, कितने नंबर है, 8 9 10 10 नंबर, 10 नंबर जो है इसको ऑन कर रहा है। तो ये मैं किधर से लाऊं, ये ऑन कर रहा है, ये जा रहा है, यहां से निकल के जा रहा है, क्या हो रहा है, ये जा रहा है, आ नहीं रहा, जा रहा है। तो ये इसके निगेटिव है और ये 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट और निगेटिव, तो ये इसको भी ऑन करने के लिए ये 10 नंबर पिन से यूज करता है। 9 नंबर 12 वोल्ट है, 8 नंबर क्या है, 8 नंबर इसकी अर्थ है जो आप ऐसे समझ सकते हैं ग्राउंड है। 7 नंबर, 7 नंबर 6 नंबर 5 नंबर 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर, ये सारे यहां से लेकर यहां तक 7 नंबर 6 नंबर 5 नंबर 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर, ये सारे इस सॉकेट में जुड़ेगा यहाँ पे। तो ये जो है मैं यहाँ पे बता दूं कि इधर वाला जो है कनेक्टर 1 2 छोड़ के 1 2 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये 2 छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे तार यहाँ जुड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ से जोड़ देता हूँ। अब ये मान के आप चलिए कि अगर ये ए है तो यहाँ पे ये है, अगर ये बी है तो ये यहाँ पर बी है, आपको ऐसे समझना है, नहीं तो ये सारी तार जाएगी तो खराब हो जाएगी। वैसे तो इसमें वो लाइन दिया हुआ है लेकिन मैं जगह बचाने के लिए, क्योंकि अभी और इसमें काम है इसलिए जगह बचाने के लिए वैसे क्या हूँ। तो ये जो दो तार है ये प्लस माइनस, ये है इसका प्लस, ये है माइनस, वो मैंने आपको बताया 16 नंबर खाली है, 15 14 13 12 ये सारे रिले के लिए ऑन करने के लिए है, और ये 11 नंबर जो मैंने बोला था कि ये इस रिले को ऑन करने जा रहा है जो इसमें अभी है ही नहीं, तो अगर ये होता तो इसको भी यहां से ऑन करने के लिए जाता। तो अब ये 10 नंबर जो है बड़े वाले रिले जो मेन रिले है उसको ऑन करने के लिए जा रहा है, जो कंप्रेसर को वोल्टेज देगा। 9 नंबर 12 वोल्ट है और 8 नंबर निगेटिव, और ये 7 6 5 4 3, तो ये 3 और ये 2,
दो ये सारे जो है इसके माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड के पैनल के लिए तार है। तो मैंने माइक्रो कंट्रोलर का जो सॉकेट है, इसमें सॉकेट जो बना हुआ है, इस सॉकेट का यहाँ पे पिन बनाया हुआ। तो ये जो दो सॉकेट में दो, एक प्लस और एक माइनस, 5 वोल्ट प्लस और ये माइनस, इस बोर्ड को चालू करने के लिए जाता है। जो यहाँ से आप इधर से 5 वोल्ट इसे जोड़ सकते हैं, इसको हटा दीजिए, इसे जोड़ दीजिए, और ये यहीं से निगेटिव भी ले लीजिए, ठीक है। और ये दो, ये पांच जो है इसके नीचे, इसके लिए है। उसके बाद ये जो तीन बच रहा है, एक जाता है यहाँ जो बीप है, ये बजर है, बजर को चालू करने के लिए ये रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस से फिर से वापसी आके इसी को दे रहा है। ये दे रहा है, तो मतलब बजर का भी यहीं से वोल्टेज मिल रहा है। और बजर का दूसरे साइड, ये तो निगेटिव था, ये वाला जो प्लस है, ये माइनस था, ये प्लस 12 वोल्ट से मिल रहा है, जो इधर 12 वोल्ट इसमें आएगा। तो ये इसके जो 12 वोल्ट आए थे, इनमें से इससे इससे है इसमें आएगा। तो हम इसे ये लेके यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पे इसमें जोड़ दें 12 वोल्ट, है ना। तो ये 12 वोल्ट बजर को एक तरफ दिया, और माइनस जो है इस सॉकेट से दिया हुआ है रेजिस्टेंस के द्वारा। तो अभी रह गया एक पिन, ये एक नंबर पिन खाली है, ये पिन खाली है, ये पिन खाली है, कोई काम का नहीं है। तो अभी फिलहाल ये भी खाली है, क्योंकि उसका कनेक्शन ही नहीं है। तो ये सारे कनेक्शन आपको मैंने बताए। यहाँ जो तीन बच रहे हैं, ये किस लिए है, ये तीन है, ये सेंसर की कनेक्शन के लिए। तो सेंसर में कितने वोल्ट है, एक सेंसर दो पिन का है, 1 वोल्ट आ रहा है, मतलब ये सेंसर का एक पिन ये और एक पिन ये दोनों 5 वोल्ट आ रहा है, जो यहां से ए इधर से जुड़ा हुआ है, इधर से, ठीक है, ये 5 वोल्ट। और जो निगेटिव है, जो निगेटिव है, ये निगेटिव इस तरह से ऐसे ये जुड़ा हुआ है, इसमें ये वाला इसमें जुड़ा हुआ है, और ये वाला जो है इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये इसमें आया, अब इधर का जो एक पीएफ, ये पीएफ है, एक पीएफ और एक रेजिस्टेंस लगा के जो इसमें बनाया, एक पीएफ और एक रेजिस्टेंस लगा के, तो ये दोनों का जॉइंट इधर वाला जो है, इधर वाला जो है एक रेजिस्टेंस इससे लेकर इसमें जोड़कर ये वाली इसमें है, ठीक उसी तरह से ये वाला जो है ये रेजिस्टेंस जो है इसके साथ इसमें जुड़ा हुआ है, और ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, और इसके लिए मतलब रेजिस्टेंस को और पीएफ को मिलाकर ये सेंसर को दिया, रेजिस्टेंस और पीएफ मिलाकर पैरेलल में दोनों सेंसर को दिया, इधर एक रेजिस्टेंस, ये दूसरे रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस लगा के इसको दिया। ये वाला जो है ये 4.7 के है, 4.7 के ये सारे, और इधर वाला जो है, ए वाला जो है 4.3 के है, ये है 4.7 के, ये रेजिस्टेंस है। जिसी तरह से ये एक सेंसर है, एक सेंसर है, तो ये एक पीएफ एक रेजिस्टेंस लगाकर इसमें से दिया माइक्रोकंट्रोलर से, एक रेजिस्टेंस एक पीएफ लगाकर एक माइक्रोकंट्रोलर से, इस तरह से दोनों को किया। एक यहाँ पे और सॉकेट बना हुआ है, लेकिन अभी उसका यूज नहीं है इस बोर्ड में,
यहाँ पे एक सॉकेट और बना हुआ है, एक सॉकेट और बना हुआ है इस जगह पे, लेकिन अभी इसका यूज नहीं हो रहा, रजिस्ट्रेशन लगा हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन लगा है तो इसीलिए मैं आपको ये तीन के बता रहा हूँ और दो के बता रहा हूँ, एक जो है ये खाली है, यहाँ पे जाएगा ये दो जो पीएफ जो है ये, और ये इसमें आएगा, लेकिन मैं इसको आपकी बताता हूँ कि ये खाली है अभी, इसलिए मैं हटाता हूँ क्योंकि आपको समझने में दिक्कत होगी। और ये रजिस्ट्रेशन जो है ये रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस को एक तरफ ये और एक तरफ ये एक जोड़ रखा है, इस पीएफ को एक तरफ समझिए कि डिस्चार्ज करने के लिए इसको लगा रखा है, जो ये रेजिस्टेंस है। तो इसी तरह से सारे फंक्शन आपको मैंने बताया, अगर आपको इस तरह से सीखना है तो आप आइए हमारे पास, 100% सीखने गारंटी है। इसमें से जो मैंने बताया हूँ ये हर एक पार्ट्स खरीद सकते हैं, पूरा बोर्ड खरीद सकते हैं, ऐसे आपको बोर्ड चाहिए तो बोर्ड ले सकते हैं, मेरे पास बोर्ड मिलता है, चाहे ये बोर्ड लेना हो या दूसरा बोर्ड लेना हो। ये नेक्स्ट बार मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा जो आप देखेंगे पूरी तरह से समझ में आएगा। ये स्प्लिट वाली है और ये विंडो वाली है, ये विंडो वाले को मैंने बताया, इसमें हर एक पिन के बारे में बताया आपको। अगर इसमें से कोई भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कॉमेंट्स में बताइए, हम उसमें बता देंगे, कमेंट से बता देंगे। और अगर सीखने के लिए आना चाहते हैं तो आप आइए, 100% सीखने गारंटी है। इलेक्ट्रॉनिक्स से किसी भी आइटम के बारे में जानना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर कुछ सीखना हो, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, बिल्डिंग मशीन, तो संजय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में एडमिशन कराइए, कोर्स ज्वाइन कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। ये जो दोनों सेंसर के पिन है, ये दोनों सेंसर का पिन, इसमें 5 वोल्ट आना चाहिए। तो ये जो हमने यहाँ से 5 वोल्ट दे रहे हैं, 78.05 से जो आउट किया हुआ वोल्टेज है, ये वोल्टेज, ये वाली इसमें जा रहा है, मतलब ये 5 वोल्ट सेंसर पे जा रहा है। और सेंसर का दूसरा जो पिन है, ये एक रेजिस्टर और पीएफ लगाकर इसी सॉकेट पे जिसपे माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड लगा हुआ है, ये वाला माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड इसमें से इसमें आ रहा है। तो मतलब यहाँ से ही क्लियर होगा सेंसर का हीटिंग कंट्रोल का जो भी फंक्शन है, ये इसी दोनों पिन से होगा। तो ये सेंसर के लिए है और ये किसके लिए है, और एक और सेंसर का जगह बना हुआ है लेकिन उसमें है नहीं, तो यहाँ जो रेजिस्टेंस लगी हुई थी, एक रेजिस्टेंस और एक पीएफ, ये दोनों मिला के ऐसे जोड़ रखा है, और ऐसे इस तरह से यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इस बोर्ड में जाएगा। और इधर का जो है ये ठीक इसमें आता, लेकिन ये खाली होने के कारण मैं इसमें कुछ किया नहीं, तो ये यहाँ पे आता और ये 5 वोल्ट इसमें जुड़ जाता, इतनी सी काम था। लेकिन अभी ये खाली है और ये पूरा बोर्ड आपको मैंने समझाया, समझ में आ गया होगा, मेरे को ऐसा विश्वास है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा यहाँ पे आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं पूरी तरह से समझा दूंगा और सीख जाओगे। जितने भी एसी का पीसीबी है हम बेचते हैं, और ये पीसीबी अभी स्प्लिट वाली जो है, कल वीडियो में इसकी लेकर आऊंगा, आप इसको भी देखेंगे तो पूरी तरह से समझ में आएगा। बिल्कुल ही आसान है रिपेयरिंग करना, एसी रिपेयरिंग करना एकदम आसान है। जो कहता है कि इतना टाइम लग जाएगा, जल्दी से सीखेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये छोटा सा बोर्ड, बाकी सब बोर्ड में कंप्रेसर, कंडेंसर, ये मैकेनिकल काम है। इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सिर्फ ये है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम जो विंडो वाला में सिर्फ ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी सब है जो मैकेनिकल काम है। तो इसको मैं सिखाता हूँ पूरी तरह से, रिपेयरिंग सीखने की गारंटी है। अब आप इसका सामान खरीद सकते हैं, कोई भी कंपनी लेना है, ऐसा पुराना बोर्ड अगर आपको चाहिए तो भी खरीद सकते हैं, चाहे इस तरफ का बोर्ड चाहिए पुराना तो भी खरीद सकते हैं, इसके जो भी कंपोनेंट है सभी मिलते हैं। और मेरे वीडियो को देखें, आपने जो भी समझ में आया, अगर अच्छा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर कोई पार्ट चाहिए तो मुझे कॉल कीजिए, सीखना है तो मुझे कॉल कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।